بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ये आज हम आपको काले इलम वालों के बारे में बताएंगे जो जादू सीखते हैं, जादू करते हैं, काला इलम करते हैं, गलत पढ़ाइयाँ करते हैं, उनका उनकी औलाद पे क्या असर पड़ता है, क्या नुकसान होता है। बागवान पूरा एक जगह है जो शालामार लाहौर के करीब है, शायद बाज़ हज़रात को इलम हो। वहाँ पे एक हमारे पास केस आया, तो वो लड़की तकरीबन कोई 18-20 साल की लड़की थी, उसका बाप काला इलम करता था। ये गलत पढ़ाइयाँ होती हैं और गलत इलम होता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये कुरान को गलत तरीके से पढ़ा जाता है, गलत तरीके से लिखा जाता है। अब आपको अब यकीन आए या ना आए, ये एक अलहदा बात है, मगर मेरी ज़िंदगी का आंखों देखा हाल और आंखों देखा ये वाक़या है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमारे जो जामे मस्जिद के ख़तीब साहब थे, उनके कोई वो अजीज़ा भी लगते थे, अजीज़ थे, तो उन्होंने मुझे कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी है, तो आप हमें टाइम दें तो अगर वो मामला देख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो खैर मैं चला गया, वो मुझे ले गए। वहाँ जब मैं देखा तो 4-5 बंदों ने उस लड़की को पकड़ा हुआ है और वो काबू नहीं आ रही। और मुझसे पहले एक शख्स पहले होकर गए, वो भाग कर गए, कहने लगे भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं मुझे आप माफ़ी दे दें। जब मैंने कुरान की पढ़ाई की तो एक गंदी चीज़ जो है उसके अंदर से निकली और बोली, उसके अंदर हाजिर होकर बोली, कहने लगी कि मेरे पे क्यों पढ़ाई कर रहे हो। और उसकी जो कुफियत थी तो वो ऐसे सीधी गर्दन को ऐसे हाथ डाल रही थी, यानी गर्दन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसलिए आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो इस काम को नहीं कर सकते बग़ैर सीखने के। जब वो उसका हाथ आगे आ रहा था तो फिर मेरे एक जहन में एक बाती, जिसको हम कहते हैं एक बाती का आया, तो एक बुज़ुर्ग की वो बाती थी, तो बहुत मशहूर बुज़ुर्ग थे, गुजरे हैं, उनकी कब्र से भी 6 महीने खुशबू आती रही है, मौलाना अहमद अली लोरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और अल्लाह ने बहुत इलम से नवाजा था। शेख व तफसीर थे, अल्लाह ने कुरान का बहुत इलम दिया था, तो उनका दरस से कुरान बहुत मशहूर था, शेरों वाले में वो दरस से कुरान दिया करते थे। जब वो पर्दा कर गए तो उसके बाद उनकी कब्र से 6 महीने खुशबू आती रही, तो ऐसे अल्लाह वाले थे। तो उनका एक ऐसे ही अमल था, मैंने जब किया तो वो हाथों को कंट्रोल करने का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हाथ तो कंट्रोल हुए। तो जब वो हाजिर हुआ तो बात की कि भाई क्यों आए हो, क्या मसला है, कि किस वजह से। तो उसने कहा कि इसका बाप जो है वो जादू करता था, गलत इलम करता था, तो हम उसकी बनाई हुई चीज़ है, हम गलत चीज़ है। तो बहरहाल ये उसके बोल थे। मैंने उनको कहा कि चलो इस बच्ची का क्या कसूर है। अब वो बच्ची 3 दिन उसके बाप को मरे हुए हो गए, तो वो बच्ची के साथ वो 3 दिन पूरे घर में एक फोतकी हुई और वो बच्ची के साथ ये मामला बना हुआ। अब घर वाले भी बड़े परेशान, फिर उसका इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमाई, तो वो ठीक हो गई। तो वो उस गंदी चीज़ को हमने निकाला। फिर मैंने उसको कहा कि आप मुसलमान हो जाओ, तो उसने कहा कि जितनी तलाकें इसके वालिद ने लोगों को दिलवाई हैं, तो यानी जादू के ज़रिए से, गलत इलम के ज़रिए से, तो मेरा मुसलमान होना कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल वो उसके बाद हमने उसको निकाला तो वो दोबारा नहीं आया। तो इसलिए ऐसे इल्मों के अंदर, ऐसे गलत चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना कि बाद में आपकी औलाद भी परेशान हो, आपकी औलाद भी बदवाएँ दें। क्या इज़्ज़त हुई कि एक घर में फोतकी हुई, बाप पे फातिहा पढ़ी जाती, कुरान पढ़ा जाता और अमाल किए जाते, मगर अमाल की बजाय अब वो एक बच्ची के अंदर से एक चीज़ हाजिर होकर बोले कि भाई इसका बाप ये करता था और गलत अमल से मैं ये आई हूँ। 3 दिन उसने घर वालों का जीना हराम कर दिया था, तो वो कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो फ़ायदा ही नहीं है ऐसे कामों में पढ़ें। तो अल्लाह जलाल ने जो जायज़ काम दिए हैं उनको करें और सही सही काम करें, ताकि दुनिया वाले भी हमसे परेशान ना हों,
और हमारी आखिरत भी ख़राब ना हो, हम ख़ुद भी परेशान ना हो। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें गलत कामों से, गलत इल्मों से, गलत अमलियात से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें गलत रास्तों से महफूज रखे और हर कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।